हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग आए दिन न्यूज में सुनते हैं या न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि समाज में कितनी घटनाएं रोजाना हो रही हैं, बहुत कुछ समाज में ऐसा हो रहा है जहां पर कि कहीं ना कहीं बच्चों की समझ में कमी है, खासकर लड़कियों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। तो वहां पर अगर उन्हें पहले से ही इस चीज की समझ हो, जानकारी हो, तो वो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग। अगर पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड इतना अच्छा होगा कि बच्चे जो भी उनके साथ सारा दिन घटित हुआ है घर पर आते ही अपने पेरेंट्स को बताएं, मदर को बताएं या फादर को, जिसके साथ भी वो ज्यादा अटैच हैं, और ये अटैचमेंट पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसे बनानी है। एक तो आजकल फोनों का युग इतना अधिक हो गया है स्मार्टफोन का कि हर कोई फोन में बिजी रहता है, चाहे वो पेरेंट्स हैं या बच्चे। बच्चे अपना फोन में मस्त रहते हैं और पेरेंट्स भी अपना फोन में ही लगे रहते हैं बजाय कि बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने के। अगर वो बच्चे के साथ मिक्सअप होकर रहेंगे, एक फ्रेंड की तरह बच्चे के साथ पेश आएंगे, तो बच्चा अपनी सारी दिनचर्या पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करेगा। और वहां पर आपको ये बच्चे के साथ डेली क्या हो रहा है, बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, उस चीज से आपको यह जजमेंट हो जाएगी कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, वो क्या सोचता है। तो आप उसे पहले से ही समाज के बारे में बताएं कि आजकल लोग कैसे हैं और उनके साथ तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। अगर स्कूल में कोई टीचर या कोई बच्चे उनके साथ गलत तरीके से पेश आते हैं या वैन में उनके साथ कुछ गलत होता है, तो उसके लिए आपको अपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर रखना होगा कि अगर आपके साथ कोई बैड टच करता है या कुछ गलत करता है या कुछ गलत बोलता है तो वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए अगर थोड़ा सा भी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो बच्चा आपको आकर जरूर बताएगा। अगर आप उसके साथ फ्रेंडली माहौल नहीं रखते हैं, बॉन्ड नहीं रखते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि उसके साथ धीरे धीरे कुछ कुछ बुरा होता चला जाता है जो भी है, तो वो बच्चा घर पर आकर नहीं बताता। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होती है कि कल को हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड बनाकर रखें, अच्छे फ्रेंड्स बने अपने बच्चों के, तो इससे आपके बच्चे सेफ रहेंगे और खुश भी रहेंगे।